इंदौर के होलकर स्टेडियम में दिल्ली और विदर्भ के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के मुकाबले के दूसरे दिन दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था, तो ये कह ढाया सेमीफाइनल में अपने दम पर कर्नाटक से जीत छीन लेने वाले युवा तेज गेंदबाज रजनीश गुरबानी ने। रजनीश गुरबानी ने हैट्रिक जड़कर वो कारनामा कर दिखाया जो उनसे पहले इस टूर्नामेंट के इतिहास में शायद ही कोई गेंदबाज कर सका है। आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में बनने वाली यह 74वीं हैट्रिक है। फाइनल मैच में बनने वाली यह केवल दूसरी ही हैट्रिक है। होलकर स्टेडियम में चल रहे मैच के दूसरे दिन शनिवार को सुबह के सेशन में गुरबानी ने विकास मिश्रा, नवदीप सैनी और इसके बाद उन्होंने जमकर खेल रहे और शतक वीर ध्रुव शौरी को 145 पर आउट करके इतिहास रच दिया। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।